बिग स्क्रीन में आपका स्वागत है। बॉलीवुड एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा ने भारत की चैंपियन बॉक्सर एमसी मैरी कॉम की बायोपिक में उनकी भूमिका निभाई थी। इस फिल्म को काफी पसंद किया गया था। गुरुवार को टोक्यो ओलंपिक्स में वर्ल्ड चैंपियन रह चुकी मैरी कॉम को हार का सामना करना पड़ा। मैरी कॉम कोलंबिया के इर्नाग्रीट वैलेंसिया से हार गई। हालांकि तब भी प्रियंका चोपड़ा ने सोशल मीडिया पर मैरी कॉम की खूब तारीफ की। प्रियंका ने सोशल मीडिया पर मैरी कॉम की एक तस्वीर साझा करते हुए लिखा, असली चैंपियन ऐसे नजर आते हैं। बहुत खूब मैरी कॉम, आपने हमें बताया कि जुनून और लगन से कितनी आगे जाया जा सकता है। आपने हमें प्रेरित किया है और जब भी अपना हाथ उठाया है हमेशा हमें गर्व कराया है। बता दें कि मैच के बाद मैरी कॉम को लगा था कि वह इस मैच में भी जीत गई हैं। हालांकि बाद में केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने ट्वीट के बाद उन्हें पता चला कि वह हार गई हैं। उन्होंने अपनी हार के 2 घंटे बाद मीडिया से बात करते हुए कहा, मुझे लगा कि मैं जीत गई हूँ, लेकिन कुछ समय के बाद मैंने किरेन रिजिजू का ट्वीट देखा, मुझे झटका लगा और निराश भी हुई। मैरी कॉम बायोपिक साल 2014 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म का डायरेक्शन उमंग कुमार ने किया था और इसमें प्रियंका चोपड़ा के साथ लीड रोल में दर्शन कुमार नजर आए थे। तो गाइस, क्या कहना है आपको मैरी कॉम के लिए और प्रियंका चोपड़ा के लिए, प्लीज हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो हमारी इस वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करें और साथ ही साथ सब्सक्राइब करना ना भूलें। और देखते रहिए बिग स्क्रीन।